काम करने का प्रयास किया तो उसके कारण उनके मन में उसका समाधान है, यही शायद उसका कारण होगा। एक चीज जो आप में नहीं बदली, जो मैंने आपका पहली बार इंटरव्यू किया था साल 2011 में, जो मुझे ध्यान में आता है, मुंबई में आपके घर पे, और आप तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी आप बेबाक थे और अब भी आप बहुत बेबाक हैं। ये इतनी बेबाकी कभी भारी नहीं पड़ती आपको या पड़ जाती है? नहीं नहीं, मैं आप एनालिसिस कर सकते हो मैं कैसा हूं। मैं जो सवाल पूछते हैं उसका नम्रतापूर्वक जो सही है वो जवाब देता हूं, और मुझे लगता है जो सच है वो बताता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। लेकिन विपक्ष कुछ 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 ना कुछ निकालता रहता है। नहीं नहीं, एक बात ये होती है कि मैंने, और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स भी कुछ कुछ लिखते रहते हैं। नहीं सर, कुछ लोग तो ऐसा है कि जो न बोला वो मुंह में डालकर उसको, एक आदमी अपने मीडिया पे लिखता है अपने साइट पर और फिर दूसरे लोग उसको उठाकर लिखते हैं, तो सही में किसी ने जो बोला है उसके डिटेल में जाना चाहिए, देखना चाहिए और फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बेबाक हैं तो प्रधानमंत्री के सामने भी बेबाक रहते हैं, गृहमंत्री अमित शाह के सामने भी बेबाक रहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जब बातचीत होती है तो नम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानमंत्री सबसे सुनते हैं और तब रखते हैं, कोई अर्च में अड़चन नहीं होती। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा, मेरे पास भी सब लोग उस समय अपनी बात रखते थे, तो हमारी पार्टी की एक पद्धति है जी, और उसमें सब अपना विचार रखते और अंतिम निर्णय फिर जो होता है सब मिलकर, या फिर प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो होंगे नेता, वो जो कहते हैं वो निर्णय होते हैं, उसमें आगे जाती है पार्टी। अब मैं आपको एक, ये बहुत हेडलाइन स्टोरी रही, उद्धव ठाकरे का एक बयान, मैं वो मराठी में बयान है वो मैं आपको सुनवाता हूं और आपसे उसका रिएक्शन लेता हूं। उद्धव ठाकरे ने आपके बारे में, आपके विषय पे क्या बोला, आइए एक बार सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे की का बयान। युती मध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितीन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राह उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। अब नितीन जी कह रहे हैं कि आइए आप, हम आपको एमबीए से टिकट दे देंगे, महाराष्ट्र दिल्ली के आगे कभी झुकता नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है जी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब मीटिंग हुई तो मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होकर निर्णय हुआ। अब मैं महाराष्ट्र से लड़ता हूं तो मेरे महाराष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी आकर उनसे चर्चा ही नहीं हुई थी, तो पहले लिस्ट में स्वाभाविक रूप से मेरा नाम आने की संभावना नहीं थी जी। अब दूसरे लिस्ट में नाम आया, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ूंगा, दूसरे कोई पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। और इस प्रकार की ऑफर भी हास्यास्पद है, क्योंकि मैं अपने पार्टी के साथ जुड़ा हूं, विचारधारा के साथ जुड़ा हूं, इसी पार्टी में रहूंगा और इसी पार्टी में काम करूंगा जी। लेकिन पिछले दिनों आपने कहा था कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक चीज तय है कि जो काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता, ये क्यों कहा था आपने? ये मैंने ऐसा नहीं कहा था, यही गड़बड़ है जी। मैंने कहा सिस्टम में ऐसा होता है, जो मैंने विशेष रूप से सरकार में काम करने वाले लोगों के बारे में कहा था, उसके पहले भी मेरी प्रस्तावना उसके साथ थी कि अच्छा काम करते तो उनको सम्मान नहीं मिलता और बुरा जो काम करता है उसको सजा नहीं होती, क्योंकि सिस्टम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छे आदमी को तुरंत अवार्ड नहीं मिलता और जो कुछ करता है उसकी इंक्वायरी होते होते इतने साल चले जाते हैं कि उसको सजा नहीं मिलती, ये उसका वाक्य था। इसका संबंध राजनीति से भी नहीं था, यही आप नहीं है पर आप जैसे आपके जो बंधु है वो बिना रेफरेंस लेके इस प्रकार की बातों को फैलाते हैं। आजकल ना सोशल मीडिया का दोष भी सब मीडिया पर ही डाल देते हैं, अब सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चलता है। ऐसा नहीं होता जी, सोशल मीडिया पे जो गलत छाप के आता है उसको तुरंत लेकर रात को चर्चा का कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं, ये समस्या है जी। मेरा अगला सवाल है, 2022 में आपने कहा था कि राजनीति को अलविदा कहने का बड़ा मन करता है, लेकिन कभी नहीं कहा था ऐसा, तो पर आपका बयान है ये सर बिल्कुल गलत है। मैंने ये कहा था कि वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, केवल पावर पॉलिटिक्स, सत्ता कारण यानी पॉलिटिक्स नहीं है जी, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण ये भी पॉलिटिक्स है। और महात्मा गांधी जी ने जब देश को स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन किया था वो भी आंदोलन राजकारण था, तो हम लोग 80% समाज कारण करें और 20% सत्ता कारण करें। और आपने परसों भी देखा होगा, मैं दिव्यांगों को मैंने 87 चेयर बांटी,
मैंने करीब 50,000 हार्ट के ऑपरेशन। मैंने आज आपका सुबह ट्विटर देखा, उस पर आपने एक वीडियो ट्वीट करा है, एक लड़की के दिल में एक होल था, उसका आपने